अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानोज किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ सबा और आपके लिए लेके आई हूँ आज मैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी। तो चले चलते हैं रेसिपी की जानिब। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है आलू। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के आलू लेकर उनको फिंगर्स की तरह काट लें। फिर एक पैन में पानी को उबालें और 2 से 3 मिनट के लिए इन आलुओं को उनमें डालकर उबाल लें। उसके बाद एक टिश्यू पेपर पर इन्हें फैला कर अच्छे से पानी को टैप टैप करके ड्राई कर लें और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करके इसको 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रख दें। फिर इसे फ्राई कर लें और फिंगर चिप्स तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने चिकन के कुछ क्यूब्स लिए, तकरीबन 200 से 250 ग्राम चिकन के क्यूब्स हैं। उनको चिकन टिक्का मसाला लगाकर आप मैरिनेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर इस चिकन को उसमें डालें और फ्राई कर लें। जब चिकन की रंगत तब्दील हो जाए, यानी वो पिंक से ब्राउन हो जाए, तो इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर शामिल करके इसे अच्छे से फ्राई करें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने के लिए छोड़ दें। जब चिकन गल जाए तो इसमें क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई 1 अदद शिमला मिर्च और 1 छोटे साइज़ का प्याज शामिल करके इसे फ्राई करें। इसको इतना फ्राई करना है कि इनकी क्रिस्पीनेस ख़त्म ना हो। फिर उसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। फिर इसमें 1/2 चाय के चम्मच हल्दी ऐड करें, 1/2 चाय का चम्मच ऑरिगेनो पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चाय का चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, चिकन को फ्राई करें और जब चिकन अपना हल्का सा ऑयल छोड़ दे तो इसमें आप 2 चम्मच क्रीम के शामिल कर दें। इनको मिक्स करके फिर इसमें 2 खाने के चम्मच मायोनीज़ के ऐड करें। लें जी, हमारी चिकन तैयार है। अब बारी आती है असेंबलिंग की। एक बाउल के अंदर चिप्स को डाल दें। इस तरह से उसको चिप्स को फैलाइएगा कि दरमियान से वो ऊंची हो और किनारे उसके बैठे हुए हों। और फिर जो हमने चिकन का एक मटेरियल तैयार किया था उसे अच्छे से जो है किनारों में भी अच्छे से कोटिंग करें और फिर जहाँ से ऊंची जगह जो दरमियान में है वहाँ पर भी अच्छे से डाल दें कि पूरी तरह से चिप्स तकरीबन कवर हो जाए। उसके बाद हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस को डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। और उसके बाद सबसे मज़े की चीज़ जो इसमें हम डालेंगे वो है 1000 आइलैंड सॉस। मैंने वो 3 खाने के चम्मच डाले। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसको ज़्यादा ऐड कर लें। उसके बाद चीज़ डालें, मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके तो वो डाली है। और डालकर आप इसको 2 मिनट्स के लिए आप इसे ओवन में रखें और जब चीज़ मेल्ट हो जाए इसे बाहर निकालें और मज़े से खाएँ। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।